लेकर एक बड़ा बयान दिया है। रजा एकेडमी ने कहा कि जो कम कपड़े वाले हैं उन्हें घूंघट क्यों नहीं पहनाते, जो कम कपड़े वाले हैं उन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते, हमारे हिजाब पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है। रजा एकेडमी पर्दा का जिक्र करते हुए रजा एकेडमी ने सवाल पूछा है, कम कपड़े पहनने वालों पर पाबंदी लगाए, हिजाब को लेकर ये बड़ा बयान रजा एकेडमी का। अन्य धर्मों में भी पर्दा का जिक्र है, भारत में घूंघट का जो जिक्र है वो आगे चलता रहता है। ऐसे में जो कम कपड़े वाले हैं उन पर पाबंदी लगाया जाए, हम पर और हिजाब पर पाबंदी लगाकर क्या मिलेगा। पहले आइए सुनते हैं रजा एकेडमी का ये हिजाब पर बयान। हमको तकलीफ ये है कि हिजाब पर पाबंदी की बात की जा रही है, पाबंदी तो उस पर होनी चाहिए कि जो कम कपड़े पहनती हैं उन पर पाबंदी होना चाहिए, तो वो छोड़कर। अच्छा, ये पर्दे का रिवाज जो है वो सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, तमाम मजाहिब के अंदर जो है किसी न किसी तरीके से पर्दा किया जाता है, हमारे हिंदुस्तान की तहजीब के भी ख़िलाफ़ है, यहाँ भी घूंघट निकाला जाता है। और इस तरीके से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत से मजहबी किताबों से साबित है कि वो पर्दा करते चले आ रहे हैं, हमारे देहातों में भी आज भी वो रिवाज है। तो इस किस्म की ये जो बातें की जा रही है वो नहीं होना चाहिए, और जो हिजाब करती हैं बच्चे उनको हिजाब करने देना चाहिए, और जो हिजाब नहीं करते हैं जब उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है तो हिजाब वालों पर पाबंदी लगाना गैर शरई, गैर अखलाकी और गैर जमहूरी तरीक़ा है।